Assalamu alaikum students, I hope you're doing well. This is Samad. So students, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है. इससे पहले हम लोग एक दफा लेक्चर नंबर 5 को जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया उसको रिकॉल कर लेते हैं. लेक्चर नंबर 5 में हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था चेक बॉक्स. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चेक बॉक्स के बारे में देखा था. चेक बॉक्स क्या होता है मैंने आपको बड़े डिटेल से बताया था. चेक बॉक्स बेसिकली हम लोग मल्टीपल जब कोई भी लाइक स्किल्स हैं या कुछ इस तरह की चीजें जो कि हमारे पास चेक बॉक्स की टाइप पे आती हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो क्या हमारे पास चेक बॉक्सेस आ जाते हैं. ठीक है, चेक बॉक्स में हमारे पास क्या होता है कि आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप दो भी कर सकते हैं, आप पांच भी कर सकते हैं, आप सारे के सारे चेक बॉक्सेस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दे दूं, आपने एक फॉर्म के अंदर पांच चेक बॉक्सेस बनाए हैं, तो आप पांचों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं, एक को भी कर सकते हैं. ठीक है, सो आपकी इस पे जो है अपने एंड पे है. और उसके बाद हमने चेक बॉक्स की एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी, बड़ी इजी सी. ठीक है, कि हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स, ठीक है, इन नेट बीन्स. फिर हमने एक बड़ी मजे की एग्जांपल बनाई थी, फोर्थ ऑर्डर एग्जांपल, और वो बड़ी मजे की थी. हमने क्या किया था कि तीन चेक बॉक्सेस बनाए थे, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, हम उसमें क्या करते, फूड ऑर्डर कर रहे थे. ठीक है, कि हमने ये भी लेना है, तो उसके पीछे हमने चेक बॉक्सेस लगाए थे. तो हम जितने चेक बॉक्सेस को चेक करते थे, ठीक है, बटन पे क्लिक करने पे वो क्या होता था कि एक नया हमारे पास छोटा सा जो है डायलॉग मैसेज ओपन होता था, और उसमें हमें वो बताता था कि आपने ये चेक किया है और इसकी जो टोटल बिल है वो ये बना है. तो हमने बड़ी एक अच्छी सी एग्जांपल की थी. तो लास्ट लेक्चर में ये हमने कुछ चीजें देखी थी. तो अगर आपने ये है चेक बॉक्स का आपको आइडिया नहीं है, या आपने ज्यादा काम नहीं किया चेक बॉक्स का जावा के अंदर, तो आप ये है कि हमारी प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 5 है उसको देख लें, दफा आपको चेक बॉक्स की जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सो चलते हैं आज के लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 6 पे. लेक्चर नंबर 6 पे बेसिकली हमने आज बात करनी है रेडियो बटन की. जैसे हमने चेक बॉक्स को लेके चले बिल्कुल एज इट इज, हम रेडियो बटन को भी लेके चलेंगे. ठीक है, तो रेडियो बटन बेसिकली क्या होता है कि चेक बॉक्स की तरह होता है, बट रेडियो बटन में क्या होता है, आपकी गोल साइन होता है, और आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो कोई एक आपका सिलेक्ट होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जेंडर, जेंडर मेल या फीमेल, तो उन दोनों में से कोई एक जो है वो आपका क्या होगा, सिलेक्ट होगा. ठीक है, मल्टीपल आप रेडियो बटन सिलेक्ट कभी भी नहीं कर सकते. ठीक हो गया, तो ये जेंडर हो गया. इसके अलावा आपकी फेवरेट चीजें, अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, अभी एक छोटी सी जो है असेस में लेके आया हूँ, तो वो भी आप देखेंगे तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो अभी देखते हैं. तो बेसिकली ये जो है एक छोटी सी है एग्जाम्पल सी है कि सबसे पहले टॉप पे तो आपको बताया यूअर नेम है. यूअर नेम क्या है, एक लेबल है. फिर आपके पास टेक्स्ट फील्ड जो है वो आगे आ रही है. ठीक है, ये भी आपको बताया. फिर नीचे देखिए जेंडर का एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के अंदर दो रेडियो बटन है. ठीक है, अब दो रेडियो बटन जब है, इन दोनों में से एक को सिलेक्ट होगा. चेक बॉक्स में ऐसा नहीं होता. चेक बॉक्स अगर आप यहाँ पे मेल के पीछे चेक लगाएंगे, फीमेल के पीछे चेक लगाएंगे, तो इट्स मीन मेल भी चेक हो सकते हैं, फीमेल भी चेक हो सकते हैं, दोनों चेक होंगे. बट ये इस सिनेरियो में, रेडियो बटन के सिनेरियो में, आप दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, यार आपको एक सिलेक्ट करना है. चलिए, ये तो एक जेंडर ग्रुप. तब नीचे देखिए फेवरेट का एक अलग ग्रुप है, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आपके पास पांच चार लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी फेवरेट है सी. ठीक है, तो क्या होगा कि मैं सी को सिलेक्ट करूंगा, बाकी मैं किसी को नहीं कर सकता. ठीक है, फेवरेट हमेशा आपकी एक ही, तो मतलब मल्टीपल फेवरेट्स नहीं होती, एक तरह का वो जो है लॉजिक नहीं बनती. आप फेवरेट चीज आपकी एक ही होती है. ठीक है, एक जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अगर चेक बॉक्सेस लगा देता हूँ पीछे, तो मैं सारी की सारी सिलेक्ट कर सकता हूँ. मैं तीन भी कर सकता हूँ, दो भी कर सकता हूँ, और एक भी कर सकता हूँ. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली आपको रेडियो बटन का आइडिया होगा. ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को शायद उसका बहुत ज्यादा, शायद मुझसे ज्यादा आप लोगों को नॉलेज हो इसका. ठीक है, सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे अभी. ठीक है, एक हम एग्जाम्पल जो जैसे हमने लास्ट टाइम चेक बॉक्स में की थी कि कैसे बनाते हैं, सिंपल वो हमारी बेसिक एग्जाम्पल होगी. चलते हैं नेट बीन्स पे. ठीक है, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम रेडियो बटन को जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको पता है मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक मैंने पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर क्लास, कुछ चेंज नहीं है. ठीक है, देन मैंने क्या किया, दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, एक स्विंग की और एक इवेंट की, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डॉट डॉट स्टैटिक का क्या मतलब है कि सारे की सारे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं सारे के सारे शो होंगे. फिर क्लास बनाई, ये कंस्ट्रक्टर है मेरा, इसके अंदर मैंने काम किया है. मैं डायरेक्ट इसको न्यू कीवर्ड और इसको मैं कॉल करता हूँ, मुझे पूरे का पूरा जो है क्लास कॉल होती है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जितनी चीजें वो डायरेक्ट कॉल होती हैं. ठीक हो गया, देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म बनाया. ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग उसको बना रहे थे, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ आप लोगों को ये चीजें आती हैं. ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट से बेहतर है हम लोग डायरेक्ट जो है
इसको पहले से बना के रखें, इसलिए मैंने पहले से इसको बना के रखा हुआ था। सो यहाँ पे ऑलरेडी रेडियो बटन मैंने लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, टॉप पे रेडियो बटन शो करेगा, ये सेट करता है, ये जो है नल करेगा, यहाँ पे आपके पास ट्रू है कि आपको विजिबल होगा, और ये जो है आपका रनिंग फॉर्म में जो है उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। जे फ्रेम के साथ साथ आपका यहाँ पे जो बैकएंड पे रन हो रहा होता है वो भी बंद हो जाता है। ओके सो अब देखते हैं कि हमारे पास जो है रेडियो बटन बनेगा कैसे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेडियो बटन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना जे रेडियो बटन, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे लिखूंगा RDB अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि RDB अंडरस्कोर मैं लिख कुछ भी लिख देता हूँ, मैं जैसे कहता हूँ हम मेल फीमेल का मेल मेल बना लेते, इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये किया और आखिर में ये किया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ब्रैकेट में आप लिखें, जैसे मैं लिख लेता हूँ ए, ये इसका मतलब कि ये ए है, यहाँ पे मैं कर दूंगा मेल सिंपल, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर हम इसको क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, RDB मेल डॉट सेट बाउंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ भी मैं कहता हूँ यार, इसको ना लेफ्ट से आप लोग कितना मार्जिन है 75, टॉप से इसको मार्जिन दें आप 50%, हाइट इसकी 100 कर दें, और हाइट सॉरी विड्थ इसकी 100 और हाइट इसकी 30 कर दें। ओके सो मैं क्या करूंगा, सारा लिखने से बेहतर मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे दो बनाने, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेल की जगह कर दूंगा फीमेल बस, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और आपको पता है यहाँ पे ठीक है, जैसे यहाँ पे देखे ना, हमेशा एक्स को सेम रखा करें, एक्स कभी भी चेंज नहीं होता, एक्स का मतलब आप लेफ्ट सबको एक इक्वल उस पे रख रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्स को चेंज कभी भी नहीं करना, एक्स सेम रहे, हमेशा वाई को हमेशा चेंज करना चाहिए आपको, ठीक है। वाई से क्या होता है, अगर इन दोनों को मैं 50 रख दूँ ना, तो ये एक दूसरे मतलब ऑलरेडी इसने एक जगह ली हुई है, तो ये जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो आप इस तरह नहीं करना, इसको जब चेंज करेंगे तो अब ये ऊपर से ना इसकी कुछ 50 की स्पेस से नीचे आ जाएगा, बस विड्थ आपको पता है, हाइट आपको दोनों की सेम होनी चाहिए, बस बाकी सारा कुछ यही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फी मेल कर देंगे सिंपल, ठीक है। ओके ये तो हमारा काम हो गया बेहतरीन, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो हम कैसे ऐड करते हैं, एफ डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, RDB मेल, ठीक है। पहले तो ये हो गया, इसको आप करें कॉपी, नीचे करें पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे RDB, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे फीमेल, सिंपल दोनों ऐड हो गए। यहाँ तक होपफुली कोई इशू नहीं, हमने क्या किया सिंपल, ये आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, ये किया वो किया, और देन उसको फ्रेम में हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं भाई हमारे पास कुछ शो होता है कि नहीं। सो इसको मैंने रन किया, और ये इट्स अभी यहाँ देखते हैं ए है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे चैन करना था, चैन की यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ, ये ना भी करें आप, इसका कोई इश्यू नहीं है, बट ये मैंने वैसे ही अपने थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लिए और आप लोगों को चीज समझाने के लिए कि थोड़े से ना अच्छे व्यू में शो। तो ये देखें, ओके सो हमारे पास जैसे ना ए और बी मतलब एक तरह का हमने दी है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ए हो गया, अभी ये दोनों हो रहे हैं, और मेरा कहने का क्या मतलब था, मैं आपसे कह रहा था कभी भी ये दोनों नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों होते हैं तो ये गलत है हमारा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ये चीज ही गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है रेडियो बटन का, कभी भी दो चीजें सेलेक्ट नहीं होती रेडियो के अंदर, या ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ठीक है, तो ये हो ये ना हो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से खत्म हो जाए यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अभी तो सिनेरियो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बाकी ये तो आई थिंक चेकबॉक्स में भी हम लोग ये करते थे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना पड़ता है कि हमने एक रेडियो बटन ग्रुप होता है इसके अंदर, हम लोग भूल गएंगे बटन ग्रुप, ठीक है। तो आप इसको लिख दें BG मतलब बटन ग्रुप इज इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप, ठीक है। और बटन ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, ये किया और ये कर दिया, ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, जैसे हमने ऐड किया ना एफ डॉट एड, इस तरह आपने करना है BG डॉट एड, BG डॉट एड का आपको ऑप्शन देगा, देखें ऐड दिया, और अंदर आप मेल पास कर दें, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और बीजे की जगह मैं क्या लिखूंगा, सॉरी एफ की जगह क्या लिखूंगा, बीजे, दोनों हो गए ऐड, ठीक हो गया, बस और कुछ भी नहीं करना। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें जो मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है। मैं इसको करूंगा नीचे से गायब हो जाएगा, मैं इसको करता हूँ देखें ये ऊपर आ गया, मैं इसको करता हूँ नीचे आ गया, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है
किसका? मेरे पास रेडियो बटन का, ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। टोटली ये रेडियो बटन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अच्छा वो बहुत मुश्किल है। सिर्फ हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया, चेक बॉक्स के अंदर ये नहीं था, इसमें ये है बेसिकली कि एक जो ग्रुप बटन है वो हमने लगाया, ठीक है। ओके, सो हमारे पास ये सिंपल एग्जांपल हो गई। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि चेक एंड शो डायलॉग, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, इजी सी है, तो इसको हम देखते हैं। बेसिकली ये एग्जाम्पल है, हम लोगों ने क्या करना है कि ये तो ऑलरेडी हमारा मेल और फीमेल बना हुआ है, ऐसा ही है। मैं एक नीचे मुझे बटन लगाना है, मैं जो ये बटन पे क्लिक करूंगा, एक तो मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो, पहले तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी मैंने शो डायलॉग मैसेज जो यूज किया वही है, ठीक है। तो क्या लिखा आना चाहिए मैसेज पे, जो ही मैं इसको करूंगा, ठीक है, एक डायलॉग आएगा और यहाँ पे मैसेज आएगा। मैसेज हमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ वो डायलॉग टाइप देखा था, तो होपफुली यही था आई थिंक। चलें, उसके बाद हम जो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा आना चाहिए, मतलब अगर फीमेल सेलेक्ट करें लिखा आना चाहिए यू आर फीमेल, अगर मेल सेलेक्ट करते हैं तो क्या लिखा है ना, यू आर मेल, ठीक है, और नीचे इस तरह ओके बटन आना चाहिए। ओके हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू आप लोगों को होपफुली इशू नहीं होगा, ठीक है। सो चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। तो बाकी तो कुछ चेंज आपने नहीं करना, वही रहेगा। हमने क्या करना है बेसिकली कि स्टार्ट से हमने करें, क्योंकि हमें बटन बनाना है सारा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक्सटेंड, लास्ट टाइम जैसे कि एक्सटेंड किसको करेंगे, जे फ्रेम को, ठीक है, एंड इंप्लीमेंट करना है आपने किसको, बटन को, ठीक है। एक्शन जो होता मतलब होता नहीं, एक्शन लिसनर इसको, ये अभी यहाँ पे एरर देगा आपको, बिल्कुल देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे फंक्शन नहीं बना हुआ, ठीक है। तो फंक्शन हमें बनाना है, उस फंक्शन से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें कर, जैसे मैं रे आर रेडियो बटन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ बायर मुझे बनाना होता है, जब भी आपने बटन यूज करना है, कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, आपने हमेशा जो लेबल्स होंगे ना, वेरिएबल्स, वो बायर बनाना है, ठीक है। जैसे बटन हो गया, ठीक है, रेडियो बटन हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, बाकी चीजें होंगी, सारी आपने बायर बनानी है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कि इन्हीं को ही लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मेल कॉपी यहाँ पे और फीमेल कॉपी यहाँ पे, ठीक है, बस दो मुझे रेडियो बटन और एक बटन चाहिए था मुझे, ठीक है, ऐसे ही है। तो क्या कहूँ, जे बटन, ठीक है, जे बटन मैं बना चुका हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, BTN कर लेते हैं, बस ये BTN हो गया। ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको रिमूव। आपको पता है जब बाहर लिख लिया तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, देखें वो कलर्ड हो गया। इसको भी आप लोग क्या करें, रिमूव करें यहाँ पे भी बटन को, क्योंकि बाहर हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, ये भी रिमूव, ये भी बेस्ट हो गया। ओके, बाकी हमें जो है बाकी जरूरत नहीं है किसी को बाहर करने की, ठीक है, बाकी हमारे यहाँ तक ही, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे बटन भी बनाना है, मैंने बटन नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद जाके ना, इसके बाद यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। बटन का नाम क्या है ऊपर, बाय देखिए, BTN, BTN इज इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है, और बटन के अंदर हम नाम क्या देंगे, सी के क्लिक, ये मेरा बटन बन गया। फिर BTN डॉट बाउंस सेट, बाउंस आपको पता है, ठीक है, सेट बाउंड में चार वैल्यूज देंगे हम लोग, 100 कर लेते हैं, ठीक है, 150 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं और 30 कर लेते हैं, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मेरे पास, बाकी तो ठीक है, इसको भी हम लोग जो इसका डिजाइन है वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास कोई डिजाइन चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो बाकी तो होपफुली हमारे पास ठीक ही है, कुछ हमें चेंज करना हुआ हम उसको भी देख लेंगे। ओके, सो इसको मैं रन करता हूँ अभी, देखता हूँ हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, एरर अभी होगा, बल्कि देखें एरर प्रॉपर है। वो किस चीज का है एरर, बेसिकली कह रहा है कि आपने कैंसिल बाई यूजर, इट्स मीन कि आपने ये जो है यहाँ पे इसका एरर आ रखा है, क्योंकि ये आपने फंक्शन बनाया। तो हम पहले फंक्शन बना लेते हैं, आपने क्या करना है, इसको बंद करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं उसका, ठीक है। तो मैं जैसे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, मैंने आपको बताया था ये नाम वही होना चाहिए जो मैं लिखूंगा, PRFOR एंड परफॉर्म, और उसके अंदर आपने क्या देना होता है, एक्शन इवेंट, एक्शन इवेंट ये आ गया, और यहाँ पे आप इसका वेरिएबल बना लेंगे, चेक वेरिएबल, ठीक है। ये फंक्शन देखें, ऊपर से एरर चला गया, ओके हो गया। अभी हम इस पे कोड नहीं करते, हम पहले रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट ठीक आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे को बटन नहीं आ रहा, आई थिंक बटन मैंने ऐड नहीं किया हुआ, होपफुली, है ना। सो बटन, क्योंकि हमने नई चीज जो की थी वो बटन ही था, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ डॉट एड, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, BTN, बिल्कुल बटन तो मैंने किया ही नहीं था, सॉरी।
ये ठीक है, इसको हम करते हैं सेव और इसको करते हैं रन। तो बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। ठीक है, अभी तो कुछ होगा नहीं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस के साथ ले आते हैं, और काफी बड़ा बटन जो है वो भी आ रहा है। तो हमारे पास जो है इसका लेफ्ट साइड से जो है ना बटन, इसको 75 कर लेते हैं, होपफुली ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बस ये डिजाइन एक अच्छा हो गया। ओके, बेसिकली डिजाइन तो आप लोग भी कर लेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना सारा कुछ ना, वो तो आपसे हो जाएगा, हमने मेन काम करना है। अभी अगर आप रन करके क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वो काम नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इफ। ठीक है, ये अब आपने उसी तरह जैसे हम चेक बॉक्स को लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था, देखा था, इस तरह इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे RDB मेरा क्या मेल है, मैं मेल को देखूंगा, मैं कहता हूँ मेल डॉट इज सिलेक्टेड, वही काम है बिल्कुल। ठीक है, इज सिलेक्टेड, ये देखें ये आ गया। अगर इस सिलेक्टेड मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है ना, कि अगर आपने इसको सिलेक्ट, अगर तो आपने इसको सिलेक्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, जे ऑप्शन, वही जो लास्ट टाइम हमने किया था, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर एक तो मैंने आपको बताया था दिस, दिस का कीवर्ड क्या करेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखे हैं पेरेंट कब, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेगा, पेरेंट कंपोनेंट है ऑलरेडी, यहाँ पे अगर देखें तो इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, एक्शन लिसनर को, डायरेक्ट वहां से जाएगा और यहाँ से जो भी आपकी चीज है वो उठा लेगा, सिंपल दिस। और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा दूंगा, मैसेज जो भी प्रिंट करवाना हो, ई ई में कोई ना कोई मैसेज आता है एक्शन ईवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग खुद मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ यू आर मेल, ठीक है, ये हो गया बिल्कुल। इसी को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दे बस। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, यहाँ से आप इस तरह करें फीमेल को उठा लें, यहाँ से पूरे को फीमेल को उठाया मैंने, अगर तो फीमेल सिलेक्टेड होगी तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, बाकी सारा वही रहेगा, एंड लिखा है यू आर फीमेल बस। तो बताएं इसमें क्या मुश्किल था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेकबॉक्स शायद थोड़ा सा टफ था, उसकी एग्जाम्पल टफ थी, इसकी एग्जाम्पल टफ नहीं, ये बहुत इजीज है। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ठीक है, एक्शन भी होपफुली हमने एक्शन वगैरह भी दे दी। यहाँ पे हमने एक और चीज भी देनी है, अगर आपको पता हो बटन के बाद यहाँ पे क्या होता है, हम लिखते हैं btn डॉट, एक चीज लिखते होते हैं एड एक्शन लिसनर, ये ठीक है, जब भी आपको काम करना यहाँ पे आप सिंपल दिस कर दें। ठीक है, दिस का क्या मतलब, डायरेक्ट इसको इस फंक्शन को कॉल कर रहा है बस। ठीक है, ओके, इसको मैंने सेव किया, इसको हम करेंगे रन। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेल सेलेक्ट करते हैं, मेल सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो ये देखें यू आर मेल, मैं ओके करता हूँ, फिर मैं फीमेल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यू आर फीमेल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सो हमने आज का जो काम था वो यही करना था। ठीक है, हमने एक तो कॉन्सेप्ट देखना था किसका, रेडियो बटन का, फिर हमने एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताई, और उसके बाद जो है हमने एक ये छोटी सी एग्जांपल देखी है कि अच्छा क्लिक होने पे वो आपको बता रहा है कि अच्छा रेडियो बटन काम कर रहा है कि नहीं। बाकी इसको आप डिटेल से भी देख सकते हैं, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इसको यूज कर लें। ठीक हो गया, सो आज का जो हमारा था लेक्चर वो हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली हमारी और भी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जजाक।